हेलो दोस्तों नमस्ते। अगर आप भी अपने YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में अपना Instagram, Facebook या Twitter की लिंक ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरे YouTube चैनल का अबाउट सेक्शन है और उसमें मैंने अपने Instagram की लिंक ऐड की हुई है। दोस्तों आप भी इस प्रकार से अपने YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में अपनी Instagram, Facebook या Twitter की लिंक ऐड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आइए जानते हैं। ठीक दोस्तों, सबसे पहले ओपन करना होगा हमारा क्रोम ब्राउजर। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको थ्री डॉट दिखेंगे, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको एक डेस्कटॉप साइड दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ डेस्कटॉप साइड इनेबल कर रहे थे क्योंकि ये स्क्रीन आपको यहाँ कंप्यूटर या लैपटॉप की तरह दिखने वाली। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डेस्कटॉप साइड पे। डेस्कटॉप साइड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च बार में आ जाना। ठीक है, सर्च बार में आने के बाद दोस्तों आपको टाइप करना है studio.youtube.com। दोस्तों यहाँ पे आपका वाइट स्टूडियो ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर में, क्रिएटर स्टूडियो। ठीक है, अब सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा। ठीक है दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमारा वाइटी स्टूडियो ओपन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमारा वाइटी स्टूडियो ओपन होके आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइज चैनल वाला। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा कस्टमाइज चैनल, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। राइट, जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा दोस्तों फिर से थोड़ा लोडिंग लगेगा। यहाँ पे आ गया है चैनल कस्टमाइजेशन, तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आ जाना। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा तीसरा ऑप्शन बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा एक लिंक्स का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐड लिंक, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ऐड लिंक, तो वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे वहाँ पे क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पे देखो आ गया एंटर टाइटल। दोस्तों मैंने पहले से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है वो अपने अबाउट सेक्शन में ऐड करके रखा है। ऊपर आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम और साइड में उसकी आपको दिख रही होगी उसकी लिंक। ठीक है, और दोस्तों आपको आपको यहाँ पे फेसबुक का या ट्विटर का अकाउंट लिंक करना है तो आपको क्या करना हो, एंटर टाइटल पे आपको मानिए आपको फेसबुक का अकाउंट लिंक करना है तो आपको यहाँ पे फेसबुक लिख देना है। जैसे कि मैंने ऊपर इंस्टाग्राम लिखा है वैसे ही नीचे आपको फेसबुक लिख देना है और साइड में दोस्तों आपको दिख रहा होगा एंटर URL। ठीक हो, तो आपको यहाँ पे फेसबुक का आपको लिंक है वो एंटर कर देना है। जैसे कि मैंने ऊपर इंस्टाग्राम का लिंक है वो एंटर कर दिया। ठीक है, अब दोनों यहाँ पे चीज़ एंटर कर दीजिए, बाद में चेक करना हो दोस्तों ऊपर आपको आ जाना। ठीक है, ऊपर आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पब्लिश वाला। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा पब्लिश वाला ऑप्शन, तो जब आप दोनों चीज़ एंटर कर देंगे तो आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपके जो लिंक है वो आपके यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने अबाउट सेक्शन में कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं।